कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, यूपीए की मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री श्री हरीश रावत जी का दि संडे पोस्ट के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। ऐसे समय में जब कांग्रेस घोर संकट के दौर से गुजर रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी घोषित तौर पर कह चुके हैं कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष पद आगे संभालने के इच्छुक नहीं हैं, और कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को सभी मीडिया चैनलों से दूर रहने की हिदायत दी है। ऐसे वक्त में श्री हरीश रावत जी ने हमारे अनुरोध को स्वीकारा और कांग्रेस के भविष्य को लेकर, कांग्रेस की गलतियों को लेकर, कांग्रेस की कमजोरियों को लेकर और भविष्य की कांग्रेस के ऊपर हमारे सवालों के जवाब देने के लिए वे आज हमारे कार्यालय में आए हैं। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब आपकी इजाज़त हो तो मैं प्रश्नों का राउंड शुरू करूं। भला आपको कोई रोक सका है? कांग्रेस इन 70 सालों की अपनी यात्रा में क्यों एक परिवार विशेष पर केंद्रित है, यह आश्रित हो चुकी है, क्यों नहीं? हालांकि नरसिम्हा राव जी आए और सीताराम केसरी आए, मगर उस समय स्थितियां ये थी कि सोनिया जी ने मना कर दिया था। आप सब लोग तब भी सोनिया जी के पास गए थे, राजीव जी की हत्या के बाद सोनिया जी ने मना किया, तो आप मजबूरी में आपने नॉन राजनीति को लाया। मेरा एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने कहा कि आप चिंतन और मंथन करेंगे अपने हार के कारणों का, तो ये चिंतन मंथन तो 2014 में भी आप लोग बैठे, बड़े शिविर लगाए गए कि क्यों हार गए 2014 में, जबकि तब एक कारण आप लोगों के पास था, एंटी इनकम्पेंसी थी मनमोहन सिंह जी की सरकार के 10 सालों, जो हमेशा होती है, परंतु 2019 में तो वो भी नहीं था। तो पहला, कांग्रेस क्यों गांधी नेहरू परिवार पर ही टिकी हुई है, और क्यों आप लोग जो आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इस परिवार से बाहर जाकर, जैसा राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि किसी और नॉन गांधी फैमिली वाले को सामने लाया जाए, आप इसमें सहमत क्यों नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है, कांग्रेस के इतिहास में गांधी परिवार से बाहर के लोग अध्यक्ष रहे हैं और बहुत अच्छे अध्यक्ष रहे, ऐसा नहीं। सत्ता में जब हम थे उस समय भी इस दायित्व को बहुत सारे लोगों ने संभाला है, मैं उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर वो स्थितियाँ सामान्य थी, आज सामान्य स्थिति नहीं है, एक असाधारण चुनौती है। और चुनौती अकेले कांग्रेस के लिए नहीं है, बल्कि उन सारे मूल्यों, मान्यताओं, सिद्धांतों के लिए भी है जिसके लिए कांग्रेस खड़ी है। कम से कम इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति लाख कुछ कह दे, आरोप लगा दे, कोई बात कर ले, मगर नेहरू गांधी परिवार के ऊपर इस बात के लिए कोई अंगुली नहीं उठा सकता है, कोई सवाल नहीं कर सकता है कि उनकी आस्था कभी देश के और भारत के संविधान के मूल मान्यताओं से हटी हैं, मूल तत्वों से हटी हैं, और वो उनको उसके एक अवलंबरदार के तरीके से, एक गार्ड के रूप में उनकी छवि रही है। तो इस समय जब उन चीज़ों पर आक्रमण हो रहा है, एक वैकल्पिक विचारधारा इस देश के अंदर लाई जा रही है जो गांधी के समय में भी थी और जिसका उस समय अलग नामों से कुछ ताकतें प्रतिनिधित्व करती थी, फिर कालांतर में नाम बदल करके फिर होते 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 उन ताकतों ने एक नाम ग्रहण कर लिया। उन्होंने राजनीतिक रूप से पहले भारतीय जनसंघ खड़ा किया, और फिर जब देखा भारतीय जनसंघ का बोर्ड नहीं चल पा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लेकर के आए। तो जो वो विचारधारा जो है, जो हमारी सोच की, भारत जिस पर खड़ा था, जिस पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जिस पर संविधान खड़ा किया गया, उस सोच से इतर सोच रखने वाली ताकतें हैं। तो ऐसे समय में जो जर्नल होना चाहिए वो बिल्कुल टेस्टेड एंड ट्रस्टेड होना चाहिए। आप कहीं पर भी नया, हम आज नया प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं, केवल गांधी नेहरू परिवार
मैं ये कह रहा हूँ कि हम आज की स्थिति में जो स्थितियाँ हैं देश के हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में, संविधान पर आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों के हित में, हम आज किसी भी तरीके से दूसरे तरीके के परीक्षण की स्थिति में नहीं है, क्योंकि